हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा सनटेक रियलिटी लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। लेट्स मूव। सनटेक रियलिटी लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹740। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सनटेक रियलिटी लिमिटेड इज ₹420। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। सनटेक रियलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1981 इज ए मिड कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹6,186.63 करोड़। ऑपरेटिंग इन रियल इस्टेट सेक्टर। एक रियल इस्टेट कंपनी है ये सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी लिमिटेड की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कमर्शियल फ्लैट्स, शॉप्स एंड प्लॉट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। फाइनेंशियल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/2021, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹142.41 करोड़, अप 48.17% फ्रॉम लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹96.12 करोड़ एंड डाउन -3.81% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹148.05 करोड़। कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹16.87 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। ओके, प्रमोटर्स एंड FII होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 67.15% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ 30 September 2021, while FIIS own 19.91%, DIIS 4.18%. Okay, so guys, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है सनटेक रियलिटी लिमिटेड विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹740, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 420। ओके, नेक्स्ट स्टॉक। ओके सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है DLF लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है DLF लिमिटेड। DLF लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹530। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ DLF लिमिटेड इज ₹372। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। DLF लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1963 एज ए लार्ज कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹92,316.75 करोड़। ऑपरेटिंग इन रियल इस्टेट सेक्टर। एक रियल इस्टेट कंपनी है DLF लिमिटेड। की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, रेंटल इनकम, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड रॉयल्टी इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। फाइनेंशियल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/2021, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹1,556.53 करोड़, अप 25.30% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹1,242.27 करोड़ एंड डाउन -9.67% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹1,723.09 करोड़। कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹226.33 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। ओके, प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 74.95% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ 30 September 2021, while FIIS own 17.62%, DIIS 2.39%. ओके,
सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है DLF लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹530। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ DLF लिमिटेड इज ₹372। ओके, नेक्स्ट स्टॉक। ओके सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके इंडिया पेस्टिसाइड्स विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹385। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इज ₹305। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1984 इज अ स्मॉल कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹3,492.33 करोड़। ऑपरेटिंग इन पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल सेक्टर, एक एग्रोकेमिकल सेक्टर कंपनी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड्स एग्रोकेमिकल्स एंड एक्सपोर्ट्स इंसेंटिव्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। फाइनेंशियल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/2021, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹182.32 करोड़, अप 4.74% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹174.08 करोड़ एंड अनचेंज 0.00% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ रुपीज, कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹42.09 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स, प्रमोटर्स हेल्ड 66.17% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ 30 September 2021, वाइल FIIS ओन 2.99%, DIIS 2.3%। ओके सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है इंडिया पेस्टिसाइड विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹385। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड इज ₹305। ओके नेक्स्ट स्टॉक। ओके सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है अनुपम रसायन। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है अनुपम रसायन। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹885। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अनुपम रसायन इंडिया इज ₹825। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2003 इज अ स्मॉल कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹8,283.57 करोड़। ऑपरेटिंग इन जनरल सेक्टर, एक जनरल कंपनी है ये। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड्स केमिकल्स ऑर्डर्स एंड जॉब वर्क फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021। ओके फाइनेंशियल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/2021, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹255.16 करोड़, अप 7.22% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹237.97 करोड़ एंड अप 6.77% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। टोटल इनकम ऑफ ₹238.99 करोड़। कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹36.09 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। ओके प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स, प्रमोटर्स हेल्ड 65.4% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ 30 September 2021, वाइल FIIS ओन 6.27%, DIIS 2.92%। ओके सो गाइज, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है अनुपम रसायन विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹885। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड इज ₹825। ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, बोलो राधे राधे।